इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक नाश्ता बनाएं और टेस्ट बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी कुज़ीन चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं जो नई रेसिपी, यूनिक है, क्विक ब्रेकफास्ट है। इसका नाम है ब्रेड वेजिटेबल पिज़्ज़ा। इसमें ब्रेड और अंडा होता है और साथ में जो चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताएंगे। ये आपकी डाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और आपके बच्चों की सेहत के लिए भी ज़्यादा हेल्दी है। इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। सिर्फ 10 मिनट में आपका ये ब्रेकफास्ट तैयार। आपने एक अदद चॉपर लेना है, एक अदद कटा हुआ आलू है, ये मैं चॉपर में डाल रही हूँ। सबसे पहले ये आलू को चॉप कर लें। अब इसमें ये मटर डाल रही हूँ। एक अदद प्याज काट लिया है, इसको भी चॉप कर लेंगे। एक अदद गाजर को हमने छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। एक अदद छोटे साइज की शिमला मिर्च ली है, उसको छोटा छोटा से काट लिया है और इसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये अच्छी तरह से चॉप हो गए। इसमें जो प्याज है वो भी ज़्यादा जायकेदार होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। शिमला मिर्च वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, कड़वी भी नहीं होती और जायका भी इसका बहुत अच्छा सा आता है। मटर और गाजर जो है ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, आपकी डाइट के लिए। आलू भी, बच्चे बड़े दोनों ही आलू को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलते हैं अब डिश बनाते हैं। नाज़रीन, हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें ऑयल कम ही डलता है, तो इसमें जो चीज़ें मैंने चॉप की हैं वो सारी डाल के थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं। दो से तीन मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है इसे। अब अगला प्रोसेस हम लोग आपको बताते हैं। इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने एक अदद बाउल लेना है, उसमें डाल देना है। इसमें दो अदद अंडे डाल देने हैं। इसमें हाफ टी स्पून नमक और ये हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है।
अच्छी सर। जी देखिए नाजरीन, आपने इसी तरह से अच्छे से मिक्सचर बना लेना है इसका। नाजरीन आपने स्लाइस लेनी है और इसको जी आराम से जी सेंटर में से इसको काट लेना है। ये देख नाजरीन, इस तरह से आपने ये पीसेस अलग कर लेने और ये अलग से रख लेने। नाजरीन हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं जी। पहले हम ये जो हमारा स्लाइस का हिस्सा था इसे हम रखेंगे। ये जो मिक्सचर हमने बनाया था, ये साथ हमने जो मिक्सचर बनाया था सब्जी और अंडे वगैरह वाला, तो ये इसे फैला लेंगे अच्छी तरह से। चीज़ है इसका ये पीस बना के हम इसको ऊपर इसके रख देंगे और इसके ऊपर ये ब्रेड का जो हमारी पीस था ये इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करके रख देंगे। नाजरीन इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये सही तरह से बन जाए। निहायत ही जो नीक तरीका है इसका और बड़ी टेस्टी और मज़े की ये रेसिपी है। इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए नाजरीन, इसका जो कलर आया है निहायत ही कलरफुल ये रेसिपी है। जायके में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता है। इसको इस तरह से लाइट ब्राउन बनाना है। नाजरीन हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और नई नई सी रेसिपी लाते हैं। आप हमारे डिशेस को पसंद किया करें और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। आपकी दुआओं के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।